हेलो एवरीवन, द एनडीबी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं फिर से इंडियन ड्रेस पहन के और मैं पहुंच गई हूँ आउटलेट। तो वही गेटअप और रक्षाबंधन के बाद ही हम यहाँ पर आ गए थे। तो मैंने सोचा कि ये मैं दूसरे दिन डालूँगी ये वाला ब्लॉग। तो ड्रेसअप सेम हो गए, इसलिए मुझे तो मौसम हो रखा है बहुत मस्त, और आप देख सकते हो कितना मस्त हो रखा है। और ये जो आउटलेट है ये पहाड़ों में है, बिल्कुल टॉप में। तो हमने सोचा कि राखी तो हमने बांध ली है, तो अब क्या करें। तो हम पहुंच गए हैं और विदू तो बहुत खुश हो रही थी। तो हमने सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या करना है। और यहाँ पे फुल्डा का बैग लगाया, न्यू ओपन खुला है यहाँ पे फुल्डा। जो यहाँ पे 10% ऑफ चल रहा है, आप देख सकते हो एडिडास के क्लोथ्स। तो यहाँ पे लेडीज टी शर्ट वगैरह लगी है क्रॉप टॉप में। अच्छा लग रहा है, मैंने इसी टाइप की तो ली थी पिछली बार। मुझे ऐसे टी शर्ट लेनी है, ब्लैक अच्छा लग रहा है। भाभी दिखाओ, इधर दिखाओ। 1300-1400 हैं? 1300-1400 की? 1500 की। वाओ यार, नॉट बैड। ये अभी नहीं, ये भी तो अच्छी लग रही है। ये हो गया वो कलर का शूज। ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे एडिडास के ज़्यादा पसंद नहीं आते यार, पता नहीं क्यों। प्राइस क्या है उनका? यहाँ पे लगे हैं प्यारे प्यारे शूज। तो ये हैं गैस करिए वाले बैग कितने के। तो हम पहुंच चुके हैं गैस में। ये हैं गाइस गैस का बैग, कौन सा पसंद आ रहा, कोई है हमारे लायक कि हम ले पाएं? अच्छा लग रहा है ना ये बैग, प्यारा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना, देखा हुआ ना। वैसे मैं यह प्राइस देखते हैं 17,490, काफी एक्सपेंसिव है तो हम नहीं लेंगे। वायर, आजकल मुझे ऐसे बैग पसंद आ रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है। कितने का है ये? वैसे अभी 16,000 का, मुझे लग रहा है 6,000 लिखा। अच्छा लग रहा है ना, निकालो इसे। ये भी तो अच्छे, अच्छा लग रहा ना, तो थोड़े एक्सपेंसिव है यार, थोड़ी क्योंकि ऐसे में ना। ये भी हैं, वैसे मैंने यहाँ से एक ऑलरेडी एक ले भी चुकी। फिफ्टी परसेंट ऑफ पे लगे ये वाले तो। अच्छा लग रहा है यार ये भी।
गाइज हमने एचएम से भी सामान ले लिया है फाइनली, और अंधेरा भी हो गया है। कब से इस टाइप का लेने की सोच रहे थे, तो ये रहे, देखते हैं हमारे मतलब हमें बेडरूम में इस तरह की इस तरह लेने का मन है, ताकि टीवी देखने के लिए सोफे में उतना मज़ा नहीं आता जितना आराम से नीचे देखो तो भी लुक आता है। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वैसे? तो गाइस ये है इवाकुरा, जहाँ पे जापानी ट्रेडिशनल अम्ब्रेला हो गया या वो फैन टाइप के हो गए, जो कि मैंने एक डायस वाला ब्लॉग बनाया था, तो ये उसी टाइप का दिख रहा है। तो ये वो गाइस यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है क्योंकि 8 बजे बंद हो जाएगा और 7 ऑलरेडी बज चुकी हैं। तो हम खा रहे हैं रामेन नहीं उदों। तो ये रहा उदों। चलो हम ये वाला खाएंगे ना, ये वाला नहीं खाते हम, ये वाला खाते हम खा के उदों। ये चीज़ सही है ना, इनका मतलब डायरेक्ट सामने ही आपके बना रहे होते हैं और डायरेक्ट सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो ये आ चुका है खा के। अरे मैडम जी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हम अपने खाने का मज़ा लेते हैं। तुम क्या खा रहे हो? तो हम 3 लोग तो उदों खा रहे हैं और ये 3 लोग कुछ और खाने वाले हैं। तो ये गाइस आर्टिफिशियल बर्फ, अभी टाइमिंग ऑफ होने वाला है तो इसलिए ज्यादा नहीं है। वहां देखो, भी तो वहां देखो, देखते रहते हो। एक और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। सी यू गाइस।